गाइज़ वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज़ आपने वैसे भी मेरे थंबनेल पे तो देख ही लिया होगी आज की वीडियो क्या होने वाली है। मैं आज ना कहीं बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए, कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है और ना ही मैं कुछ खाने वाला ब्लॉग बनाने वाली हूँ। सो गाइज़ आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा और अपने बालों के केयर के लिए। सो गाइज़ बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक और शायद आपके लिए भी थोड़ा यूज़फुल होएगा और जो लोग ये करते हैं उनके लिए तो काफ़ी बेटर है और जो लोग नहीं करते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और तो गाइस पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हेयर मास्क के लिए और फिर उसके बाद चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ और फिर उसके बाद हम आगे का शुरू करेंगे और लगाना कैसे लगाना है क्या करना है। मैंने लिए कॉफ़ी और हंकर क्योंकि आप इसे घर पर भी कर सकते हो। मैंने इसे नॉर्मल छन्नी में इसे स्ट्रेन कर दिया, पानी देखो नीचे आ गया इसका। और शहद आप कोई भी कंपनी का शहद ले सकते हो। और मैंने लिया आप तेल, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप वो भी डाल सकते हो। और मेरे पास अभी पैरासूट का था ये क्योंकि ऑलिव ऑयल मेरा ख़त्म हो चुका था तो इसलिए मैंने ये डालूंगी। तो चलिए एक बार मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले लूँगी मैं कॉफ़ी 1.5 चम्मच और 2 चम्मच शहद। उसके बाद जो हमने ये दही कर्ड बनाया उसका 1-2-3 चम्मच मैंने दही लिया यहाँ पे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज मैंने इसका एक फाइन पेस्ट बना दिया है और दही को मैंने इसलिए हंकर बनाया था क्योंकि अगर हम उसे वैसी दही को साथ ही लगाते तो उसका जो पानी होता है जो पूरा स्ट्रेन हो चुका है वो पूरा हमारे सरफेस से फैल जाता है और बार बार वो ऐसे टपकता रहता है तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया था। और अब हम इसे लगाना शुरू करते हैं। सो गाइज पहले हम अपने हेयर को अच्छी तरह से कॉम कर लेंगे जैसे कि ये उलझे नहीं और एकदम बढ़िया करके हमारे आराम से पैक लग जाती है। तो पहले मैंने अपने बालों को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया और अब हम इसे शुरू करते हैं पैक लगाना। ठीक है पहले मैं एक साइड के बाल में पूरे बांध लूँगी। दूसरे साइड के बालों में लगेंगे इसलिए मैंने इसे एक साइड को बंद कर दिया और अब चलो लगाना शुरू करते हैं इसे पैक। तो गाइस जैसे सर्दियों में या कभी भी हमारे सर पर डैंड्रफ हो जाती है, इचिंग होती है तो उसके लिए दही और कॉफ़ी सबसे बेस्ट है और हनी तो है और ऑयल तो आप हमेशा लगाते ही होंगे अपने हेयर पर और इसकी वजह से तो हमें अपने बालों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम अपने ज़्यादा फेस पे या हाथों पे या पैरों का ही ध्यान देते हैं तो हमें अपने बालों का भी ध्यान देना चाहिए। और जिसे लंबे बालों का शौक है उसे तो खास कर देना ही चाहिए क्योंकि लंबे बालों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जैसे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो चलिए पहले पैक लगाते हैं उसके बाद ही हम आगे को बात करेंगे, है ना। आप ऐसे शीशे में देख के लगा सकते हो। अभी मैं आपको दिखाने के लिए मुझे खुद ही कैमरे के सामने ही ऐसे लगाना पड़ेगा तभी ऐसे आराम से लग पाएगा, इसलिए मैं ऐसे लगा रही हूँ। तो वही मेरे पूरे बालों में लग चुका है और जो मेरा बच गया था वो अब मैं अपने जो अपने लंबे बाल हैं इन पर लगाऊंगी नीचे को। इन्हें हल्के
हल्के हाथों से इनके रूट्स तक इसे हल्के हाथों से मसाज करनी है ताकि जो भी हम चीज़ें लगा रहे हैं वो हमारे रूट्स तक पहुँचे और एक अच्छा शाइन ग्लो और हमारे हाथ मतलब बालों को हेल्दी बनाए। तो इसलिए मैं हल्के हाथों से इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे मसाज करनी है। ज़्यादा ऐसे वो नहीं करना कि अपने बालों को ऐसे रब कर रहे हैं हम जल्दी जल्दी कि हाँ जल्दी जल्दी होए मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं करना। आराम से हल्के हाथों से ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 मिनट। तो गाइस हमारा पैक लग चुका है और मसाज भी हो चुकी है, तो अब हम इसे जूड़ा बना के रख देंगे आधे घंटे के लिए। और जिसके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है वो ज़्यादा देर के लिए रख सकता है, लेकिन मैं इसे ऐसे आधे घंटे के लिए रखूँगी क्योंकि सानवी भी सो गई तो मुझे अभी थोड़ा काम करने है अपने। तो इसलिए मैं इसे फटाफट से जूड़ा बनाती हूँ और उसके बाद जो मेरा काम बच गया मैं वो कर दूँगी पहले। सो गाइज इस दौरान जब तक आपने सर पे पैक रख रहे तो इस दौरान आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं, जो भी आपका काम छुटा हुआ है। और मैं तो अभी करूँगी अपनी अलमारी ठीक क्योंकि मेरी अलमारी बहुत ज़्यादा तहस नहस हो चुकी है। तो जब तक मेरा पैक लगा हुआ है मैं अलमारी ठीक कर लेती हूँ और आप भी अपना कुछ काम कर लीजिए तब तक, और आधे घंटे के बाद वॉश कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या रहा। सो गाइज चलिए तब तक मैं अपनी अलमारी ठीक कर देती हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरी अलमारी कितनी ज़्यादा ख़राब हुई। ये देखिए इसकी हालत बिल्कुल एकदम तहस नहस। मैंने मतलब जैसे अगर मैं बैंगल्स भी निकालूँ तो एक बैंगल्स निकालने के चक्कर में मेरी सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। और तो मैं अभी इसे ठीक करने वाली हूँ पूरा और उसके बाद मैं मिलूँगी तब तक आपसे 1:30। तो मैं 2 बजे तक नहाने जाऊँगी और उसके बाद ही दिखाऊँगी मैं आपको अपने बालों में रिज़ल्ट कैसा आया है, चलिए देखते हैं। सो गाइस अभी मेरा ये वाला खाना हो गया बिल्कुल ठीक और ये देखिए अभी कितना तहस नहस है। तो मैंने ठीक कर दिया क्योंकि जो रोज़ की चीज़ें हैं वो मैंने सबसे आगे रखी हैं, जैसे मेरी लिपस्टिक होगी, लिप बाम हो गए और क्लिप वगैरह। और इसमें मैंने रखी है कंघियाँ कुछ ऐसे खड़ी करके क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा कंघी इधर उधर फेंक दी थी, तो मैंने इसलिए इसमें रखी है कॉम सारी। और इसमें है मेरी नेल पेंट वगैरह और इसमें कुछ इयर रिंग्स वगैरह जो जो चीज़ें मेरी इधर उधर थी वो चीज़ें मैंने पूरी सेट कर दी हैं। और चलिए अब कितना सही लग रहा है ना पहले से कोटिंग, और जैसे विक्स वगैरह तो मैंने यहाँ पे रखे ताकि मिल जाए आसानी से। और ये देखिए अभी फ़िलहाल ये कुछ ऐसा हो रहा है बढ़िया। चलिए और सो गाइस 2 बज चुके हैं और अब मैं जाती हूँ हेयर वॉश करने के लिए। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा मेरा पैक भी सूख चुका है। और कोई भी अगर हम चीज़ शुरू करते हैं उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है कि एक बार में हमें तो ज़्यादा रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, हमें 2-3 बार ट्राई करना चाहिए। और इसे हम हफ्ते में 2 बार लगाएंगे तो हमारे सर से खुजली अगर इचिंग वगैरह हो रही हो या डैंड्रफ हो या हमारे बाल थोड़े झड़ रहे हो तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और तो गाइस सबसे एक आसान टिप मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, एक गिलास नॉर्मल गिलास ले लीजिए, उसमें 2 लौंग की जो लौंग होती है और उसे डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, जब तक आप नहाते नहीं हो तब तक उसमें डाल दीजिए क्योंकि उसका असर पूरी तरह से उसमें आ जाएगा। और जब आप पूरा हेयर वॉश कर लेते हैं जो भी आप शैम्पू वगैरह कर लगाते हैं तो उसके बाद लास्ट में उस पानी को आप अपने सर पर डालिए और फिर आपको थोड़ा टाइम बाद तो असर दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके बाल झड़ने कम हो चुके हैं। क्योंकि मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैंने बनाए वो, तो मैं अपना हेयर वॉश करने के बाद उसे अपने सर पर डालूँगी तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइस ये मैंने बनाया है, मैंने 1 गिलास पानी लिया है उसमें मैंने 2 लौंग डाले और इसे मैं अब पूरा जब मेरा हेयर वॉश हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे घर की हैं और इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं और जो भी होगा हमें फ़ायदा ही होगा। और सो गाइस चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है और अब आप देख सकते हैं मेरे बालों को, मेरे बाल कैसे हो गए एकदम सॉफ्ट से अच्छे से, क्योंकि हमारे बाल ज़्यादा जिनके बाल रफ होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। ये देखिए मेरे बालों को सोगा इस सूखने के बाद ही कुछ ऐसे हुए, पहले तो आपने गीले में देखे थे और अब ये थोड़ा सूख चुके हैं। तो ये देखिए
जैसे मतलब इनके क्या क्या फ़ायदे हैं वो चीज़ें मैं सारी अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी और आप वहाँ जाके एक बार देख लीजिए कि हमें क्या क्या चीज़ों के क्या क्या फ़ायदे हैं। और गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइज, अगर आपने कभी पहले ये ट्राई किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको ये वाली वीडियो मेरी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।